बबूल प्लस सॉल्ट टूथपेस्ट, यानी मजबूत दांत और प्रॉब्लम फ्री पसूड़े। आज से मेरी चार नहीं सात बेटियां हैं। वाहे गुरु ने मुझे तीन बेटियां और दे दी। और सतो तू भी किसी चीज की फिक्र मत करना, तू अपने भाई के घर में है। हर भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन के सुख दुख में उसका साथ दे। मुझे समझ में नहीं आता वीर जी, मैं आपका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं? ना सत्तो ना, बिल्कुल रोना नहीं। सारे सुन लो, आज से इस घर में कोई भी आंसू नहीं पाएगा। आज से इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, और खुशियों की शुरुआत मैं सिमरन की सगाई करके करूंगा। बहुत हो गए इम्तिहान, बहुत परेशान कर लिया मैंने बच्चों को। मैं कल ही पंडित जी को बुला लेता हूं और सिमरन की सगाई की तारीख पक्की कर देता हूं। नहीं गुरनाम सिंह, मेरे होते हुए तुम्हारे घर में खुशियां नहीं आ सकती। एक मिनट भाई कुछ कहना चाहती हूं। तुम देना साथ
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने और मेरे पति ने इन दोनों के तो बहुत इम्तिहान लिए। अरे भाई, मैं भी तो सास बनने वाली हूँ, मेरा भी तो कुछ हक है। मैं चाहती हूँ कि सिमरन हम सब के लिए खाना बनाए, और वो भी अकेले। मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप मेरा कोई इम्तिहान लेना नहीं चाहती हो। ये तो आपका प्यार है, मैं आज आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। हाँ सिमरन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस खाने को इम्तिहान की तरह ही लो। वो क्या है कि दो प्यार करने वाले तो कहीं भी रह सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। और जब वही प्यार करने वाले पति पत्नी बन जाते हैं तो उन्हें सोसाइटी में रहने के लिए मेहमानों को अच्छी तरह से ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। यही तो असली इम्तिहान होता है। लो जी परजाई जी, इसमें तो इम्तिहान वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे भी सिमरन ने तो बड़े बड़े इम्तिहान पास कर लिए हैं। खाना बनाना तो सिमरन के लिए मामूली सी बात है। अब मैं जानता हूं परजाई जी, ये आपका इम्तिहान नहीं है, ये आपका सिमरन के लिए प्यार है। मैं यही देखना चाहती हूँ, बस अगर ये खाना हम सबको पसंद आ जाए तो मेरी तरफ से बेस शादी के लिए हाँ ही समझो। मुझे खुशी है कि आपने अपने दिल की बात मेरे सामने रखी, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरा इम्तिहान लेना नहीं चाहती, बल्कि मेरे हाथ का खाना खाना चाहती हैं। तो ठीक है, आप सब मेरे मेहमान हो, तो आज का खाना मैं बनाऊंगी। तो भाई ये तय रहा कि सिमरन के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाने के बाद ही सगाई की तैयारी होगी। हाँ दिया हुआ इम्तिहान है, और इसमें मैं तुम्हें पास होने ही नहीं दूंगी। सिमरन, खाना बनाना तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर जब खाना अच्छा नहीं बनेगा तब सबके लिए ये बड़ी बात बन जाएगी। ये मेरा दिया हुआ इम्तिहान है, और इसमें मैं तुम्हें पास होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि इस इम्तिहान को अंजाम मैं दूंगी। खाना तो तुमने बहुत जल्दी बना लिया सिमरन, और खुशबू से पता चल रहा है कि खाना अब तक तो स्वाद बना है, लेकिन अब इसके बाद
शुरुआत हो।